हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मसीह में आपको खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ विनिंग सोल प्रोग्राम में। जिस तरह के आप हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम देखते हैं और बरकत पाते हैं, मुझे खुशी होती है जब आप फीडबैक देते हैं, हमें कॉल्स करते हैं, हमें ईमेल्स करते हैं, फेसबुक पर मैसेज करते हैं, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है जब आपकी फीडबैक लेता हूँ। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह जितने भी आपके बच्चे हैं जो खुदा के अंदर बढ़ रहे हैं, इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी का भी कोई सरमन सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, तो आप उस खादम को भी ज़रूर आइज़क टीवी के वसीला से अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट खादमों को लाते हैं और वो आकर अपनी खिदमत के बारे में शेयर करते हैं, गवाहियाँ शेयर करते हैं, और उसका सारा जलाल सारी इज्जत यीशु मसीह को देता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब हम दुआ करते हैं, हम गवाहियाँ सुनते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं, और सारा जलाल उसका भी यीशु मसीह को देता हूँ। आज जो मेरे गेस्ट हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो खिदमत कर रहे हैं माल्टा में, यूरोप में, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में लिखा है, मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मतें मेरास में दे दूंगा, ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी प्रॉपर्टी ठहरा दूंगा। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ईमान के साथ जब हम जो कुछ खुदा से मांगते हैं, खुदा यकीनन हमें देता है। खुदा के बंदा प्यारे भाई महमूद चौहान साहब, जिनका तलक माल्टा से है, पाकिस्तान से है, लेकिन खिदमत माल्टा में कर रहे हैं। प्यारे भाई महमूद चौहान, आपको वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ, और खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं। आपको दिल और दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं, और इसी तरह आपकी मिसेज को, हमारी प्यारी बहन तस्नीम को भी खुश आमदीद और वेलकम, और इसी तरह बेटी प्रस्तर्श को भी खुश आमदीद वेलकम करता हूँ। ज़ोरदार तालियों में हम आपको खुश आमदीद वेलकम कहते हैं पाकिस्तान में। और इसी तरह मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर मुनीर भट्टी साहब हैं। पास्टर मुनीर भट्टी, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। और इसी तरह खुदा की बंदी सोनिया, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ मैं। सोनिया हमारी कैमरा वुमेन है, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बेटियाँ भी कैमरे की खिदमत कर रही हैं, सदफ भी कैमरे की खिदमत कर रही है, और भी बेटियाँ खिदमत कर रही हैं। खुदा उन्हें और बरकत दे जो NLE में है, और इसी तरह आइज़क टीवी के नौजवान हैं, इन सब को खुदा बड़ी बरकत दे। जहाँ जहाँ भी आप आइज़क टीवी की खिदमत कर रहे हैं, ऑफिस में वॉलंटियर खिदमत कर रहे हैं, मेरी दुआ है आइज़क टीवी की टीम को, बेटियों को जो होस्ट करती हैं, उनको भी बरकत दें, और खुदा आप सबको कसरत से इस्तेमाल करे। तो मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करेंगे, खुदा के खादम मुनीर भट्टी के साथ मिलकर दुआ करेंगे, और उस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आए सब सर झुक जाएं और हम दुआ करें। जलाल के बादशाह खुदा यसु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस विनिंग सोल के लिए जो तूने बख्शा कि इसमें खुदावंद दूर दराज से मेहमान आते हैं और तुझे जलाल देते हैं। इसके लिए हम तेरे हजूर शुक्रगुजार हैं। आज जबकि भाई महबूद माल्टा से आए हैं, खुदावंद यसु ईमान रखते हैं कि आज हम उनके वसीला से भी बरकत को हासिल करेंगे, और आज के सारे विनिंग सोल के लिए खुदावंद यसु तेरे हजूर दुआगो हैं कि जो कुछ भी बातें हों वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी तरफ से हों। महमूद साहब को बरकत देना, उनकी मिसेज को, और ख़ासकर मैं अपने रहनुमा पास्टर अनवर फजल साहब के लिए तेरे हजूर शुक्रगुजार हूँ। तो उन्हें और ज़्यादा अपने पाखरू का मसा देकर इस्तेमाल कर और करता रहेगा, ये मेरा ईमान है यीशु के नाम में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भट्टी साहब, खुदावंद आपको बरकत दें। और नाजरीन, इससे पहले कि मैं मज़ीद बातचीत करूँ, प्यारे भाई नील कांत की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। इससे पहले कि मैं विनिंग सोल करने आ रहा था, तो भाई नील की मुझे कॉल आई कि जब आप विनिंग सोल करने जाएं तो आप मेरा सलाम ज़रूर नाजरीन को कहिएगा। तो मेरे भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, उनकी बेटी और बेटे की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, और मेरी दुआ है कि खुदा उन्हें भी कसरत से इस्तेमाल करे, और आप उनके गीत सुनते हैं और बरकत पाते हैं। खुदा आपको भी बरकत दें। और इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई यूनस मौजूद हैं जो उकाड़ा के आइज़क टीवी के कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। प्यारे भाई यूनस चौहान, आपको वेलकम और खुशामदीद विनिंग सोल प्रोग्राम में। जी थैंक यू पास्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें याद किया। प्यारे भाई यूनस, कैसा जा रहा है आइज़क टीवी उकाड़ा में, और आपकी फैमिली कैसी है? जी पास्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जब से मैं उकाड़ा का कोऑर्डिनेटर बना हूँ, आइज़क टीवी के बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं उकाड़ा में,
और जब भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ एज एक टीम की, सारी टीम काड़ा पहुँचती है। हाल ही में उकाड़ा में प्रोग्राम हुआ, हजारों लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने शफा पाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जब से मैं एज एक टीवी से काम कर रहा हूँ, मुझे खुदा ने इतनी बरकत दी है, इसके वसीला से खुदा ने मेरी बीवी को रोजगार दिया, मेरे बेटे को रोजगार दिया, अच्छी बहू दी है, और खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है एज एक टीवी के वसीला से। और इससे पहले हम प्रे नीचे करते, आप हम मुसलसल प्रे करते हैं सुबह शाम, जब भी हमें टाइम मिलता हम खुदावंद को अपना टाइम देते हैं, खुदावंद के खादमों के साथ मिलकर एज एक टीवी के वसीला से हम बरकत पाते हैं, और काड़ा के तमाम खादम बड़े खुश हैं। और हाल ही में एक प्रोग्राम और हमने करने वाले हैं, और होटल में जो सेमिनार होना है वो भी एज एक टीवी की टीम आ रही है, उनके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि उनके लिए दुआ भी कीजिए उस सेमिनार के लिए, और जितने खादम आए वो सारे बरकत पाए, जितनी कलीसिया के लोग हैं वो भी बरकत पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यूनुस भाई, आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, आइजक टीवी पर आपकी आवाज को सुन रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो आप उकाड़ा की तरफ से आपका क्या मैसेज आज उनके लिए? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक खुदा ने हमें बहुत गिफ्ट दिया है आइजक टीवी, जो हमारी जिंदगी तब्दील करने का वसीला बना है। हमें अपनी सोचें तब्दील करने की जरूरत है, अपने रवैये तब्दील करने की जरूरत है, हम एक अच्छे इंसान बने और आप अपनी अच्छी जिंदगी को गुजारे और लोग हमारी तरफ देकर नमूना लें, और हम ये एक नमूना देने का टाइम है कि हम अपने लोगों को तब्दील करें, जिंदगी को तब्दील करें, जो हम पहले काम करते थे अब ना करें, और अच्छी सोबत अच्छा काम करें ताकि लोग भी बरकत पाए, हम भी बरकत पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूनुस भाई, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया कि हमें अपनी सोचों को तब्दील करने की जरूरत है, अब वक्त है कि लोगों का नमूना बन के लोगों की जिंदगियों में तब्दीली का सबब बने। प्रेज द लॉर्ड। तो यूनुस भाई, आप तमाम खादम कैसे हैं उकाड़ा में और तमाम चर्चेस, उनके बारे में भी बताएं। हाँ जी, उकाड़ा के खादम जनाब अक्सर बैठते हैं, हम मीटिंग भी करते हैं, हर संडे को भी हम बैठते हैं मीटिंग के बाद, तो वो सारे तमाम पास्टर बड़े खुश हैं आपकी खिदमत पे, एज की टीवी की टीम पे। हम डेली दुआ करते हैं आप लोगों के लिए कि हमें खुदा ने कितना बड़ा सुरमा दिया है, इसके वसीला से रूहें बच रही हैं, लोग तब्दील हो रहे हैं, और खुदा उनको लोग बरकत पा रहे हैं, शफा पा रहे हैं, और खुदा उन आपको इतनी बरकत दे, एज की टीवी को बरकत दे, तरक्की दे, जो पूरी दुनिया पे कलाम लेकर जाता है। ये भाई खुशकिस्मती है कि खुदा ने अनवर फजल जैसा खुदा का खादम सुरमा दिया है। हम आपके शुक्रगुजार हूं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, एज टीवी के लिए दुआ हैं। थैंक यू वेरी मच यूनुस भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, आपको खुदा ने खूबसूरत बहू भी दी है, और मेरी दुआ है कि आपको बहू की भी मुबारक हो, और इसी तरह आपके बेटे की जॉब की भी, और इसी तरह मेरी दुआ है मेरी बहन को भी खुदा ने ब्लेस किया है, बरकत दी है रोजगार की, और खुदा आपको मल्टीप्लाई ब्लेस करे, और आपकी टीम को भी जो आपके साथ खादम खिदमत कर रहे हैं, खुदा आपके साथ नौजवान खिदमत कर रहे हैं, उन सबको खुदा आसमान के दरवाजों को खोलकर बरकत पर बरकत दे। थैंक यू पास्टर साहब, खुदा आपको भी बहुत बरकत दे। और कोई बात कोई करना चाहते हैं आप? बस मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद किया, खुदा आपको बहुत बरकत दे, दुआओं में याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे, मेरी तरफ से सब उकाड़ा के खादमों को, कलीसियों को बहुत बहुत सलाम, खुदावंद आप सबको बरकत दें, और मेरी दुआ है कि काड़ा के जितने भी नाजरीन हैं खुदावंद आप पर भी मेहरबान रहे और आपके शहर पर भी, और आपकी यूनुस भाई इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, और तमाम केबल ऑपरेटर का भी, जितने भी केबल ऑपरेटर आइजक टीवी को फ्री चलाते हैं, खुदा इन्हें भी बरकत दे, इनके बिजनेस को भी बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच यूनुस भाई। प्रेज द लॉर्ड सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे प्यारे भाई यूनुस से उकाड़ा में। मेरी दुआ है कि खुदा तमाम नाज़रीन को, जितने भी आप उकाड़ा में रहते हैं, शाहीवाल में है, चीचा वतनी में है, आप जहानिया में है, मियाँ चनू में है, इसी तरह आगे लोधरा में है, बहावलपुर में है, आप रहीम यार खां में, सादकाबाद या हैदराबाद, और जितने भी शहर हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, केपीके के हैं, मेरी दुआ है गिलगिस्तान के हैं, और इसी तरह जितने भी शहरों में, पाकिस्तान के हर शहर में आप देख रहे हैं, खुदा आपको भी बरकत दें, और आपको भी खुदा
دوسروں کے لیے باعث برکت بنائے. جس طرح بھائی یونس نے میسج دیا ہے, ہمیں نمونہ بن کے دوسروں کے لیے باعث برکت بننا ہے, ٹھوکر کا وسیلہ نہیں بننا. کیوں منیر بھائی, بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں جی کہ جیسا کہ بھائی بتا رہے تھے جی کہ پہلے ہم دعا بھی نہیں پہلے ہم دعا بھی نہیں کرتے تھے, اور آئزک ٹی وی یہ زندگیوں کو تبدیل زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اور آئزک ٹی وی ہی واحد ایسی چیز ہے جو کہ جہاں پر پاسٹر نہیں جاتا یہ آئزک ٹی وی وہاں پر پہنچا. میں نے جو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے جہاں پر آیا اپنا خدا کا خادم سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں وہاں پر پہنچوں گا, مگر خداوند کا کلام آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے وہاں پر پہنچتا ہے, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں پہلے خداوند کے اور اس کے بعد اس کے بندہ کے جس نے یہ قدم اٹھایا. اور آج یہ نہیں کہ پورے پاکستان میں, پورے پاکستان میں جہاں پر بھی آئزک ٹی وی نے اٹرنل لائف منسٹری نے پروگرام کیے ہیں وہ ایک ریکارڈ ہیں. جس شہر میں بھی پروگرام ہوا ہے وہ ایک ریکارڈ اس شہر کا بنا ہے, اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ یہ تو پاکستان کے شہروں کے ریکارڈ تھے. میرا ایمان ہے کہ جیسا کہ آج کل ہمیں کل خدا کے خادم کو خداوند ملیشیا میں استعمال کر رہا ہے, میرا ایمان ہے کہ وہاں پر بھی خداوند انہیں بھرپور طریقہ سے استعمال کرے گا اور سارا جلال خداوند یسوع کو ملے گا. پریز دی لارڈ. تھینک یو بڈی صاحب, خداوند آپ کو بھی برکت دیں. پیارے بھائی محمود چوہان, ابھی یونس چوہان صاحب سے بات کی ہے, کیسی بات ہے, تو آپ اپنی گواہی شیئر کریں کہ کس طرح آپ خدا میں آئے, کس طرح آپ نے خدا کو دل دیا. آپ کیمپس کروسڈ میں بھی خدمت کرتے رہے, دبئی میں بھی آپ نے خدمت کی, اور ساتھ آپ جاب بھی کرتے تھے, اب آپ ریسٹورنٹ بھی چلا رہے ہیں اور چلڈرن منسٹری بھی مالٹا میں چلا رہے ہیں. ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر آپ کے ساتھ اپنے گواہی کو شیئر کر سکوں, اور جو میں خدمت کر رہا ہوں اس کو آپ کے سامنے بانٹ سکوں, اور اسی طرح بتا سکوں کہ کیسے میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور کس طرح خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں, اسی طرح میں بھی ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا اور ایک نومینل کرسچن تھا, اور چرچ جانا, سنڈے اسکول بچپن سے ہی, کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ چرچ کے ایلڈر تھے. جی آپ نے سینٹ جان چرچ کا نام سنا ہوگا, لیاقت آباد میں وہاں پر وہ ایلڈر تھے, ان کا نام خوشی چوہان تھا, ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. میری امی جو تھی وہ بھی چرچ میں خدمت کرتی رہیں, اور بچپن سے ہی چرچ میں ایکچولی تھے, سنڈے اسکول میں, پھر اس کے بعد یوتھ گروپ میں, پھر بائبل اسٹڈیز میں. لیکن جو ہم سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہمارا حقیقی شخصی نجات دہندہ ہے وہ بالکل نہیں پتا تھا. حالانکہ گروپس میں, بائبل اسٹڈی گروپس میں بھی جانا سنتے تو تھے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے تھے. تو ایک دن ایسے ہوا کہ ہمارا ایک کیمپ تھا, یوتھ گروپ کیمپ جو مری میں گیا تھا, تو وہاں پر ایک دن ایسا ہوا کہ سب جو لڑکے تھے وہ دعا کر رہے تھے اور روح القدس وہاں پر نازل ہوا, اور سب لوگ ایسے دعا کر رہے تھے جیسے کہ وہاں پر خدا موجود ہے اور ہم خدا سے باتیں کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی, اور وہ ایئر تھا 1994. اور اس کے بعد پھر میں نے خداوند کی خدمت سوچا کہ میں خداوند نے مجھے چنا ہے اپنی خدمت کے لیے, میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے خدا کی خدمت کو شروع کیا, اور میں نے او ایم ٹیم کو جوائن کیا, آپریشن موبلائزیشن. اس وقت ان کا ہیڈ آفس جو ہوتا تھا وہ اسٹیشن پر ہوتا تھا جی, اور میں نے وہاں سے اپنی خدمت کا آغاز کیا. میں نے او ایم ٹیم کے ساتھ والنٹیئر خداوند کی خدمت کی, اور اس میں میں ملک کے کافی شہروں میں گیا جہاں میں نے لٹریچر کے ذریعے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچایا, جس میں ہر قسم کے لوگ تھے, بچے تھے, بڑے تھے, چرچز میں گئے, گلیوں میں گئے, اور خدا کے کلام کو ہم نے پہنچایا بہت سے لوگوں تک. بہت سی مشکلات بھی ہوئیں تو بھی پھر بھی خداوند نے ہمت دی کہ ہم خدا کے نام کو دوسروں تک پہنچانا ہے, اور یہ میں نے سمجھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے, اگر میں نے خدا کو یا خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے تو ضروری ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ وہ بھی نجات حاصل کر سکیں. اور پھر اس کے بعد خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں فل ٹائم خدمت کے لیے کیمپس کروسیڈ کو جوائن کروں, اور وہاں پر میں نے کیمپس کروسیڈ میں خداوند کی خدمت کو جوائن کرنے کے بعد میں نے لاہور کی ہر جگہ پر, اور شیخوپورے میں, قصور میں, فیصل آباد تک, ملتان تک, یہ جیزس فلم کے ذریعے خداوند کے کلام کو پہنچایا. ہم لوگ موٹر سائیکل پہ رکشوں میں جاتے تھے جی. بیٹھ کر اور پروجیکٹر کو اٹھا کر, بھاری پروجیکٹر کو, ہم لوگ دو لوگ ہوتے تھے, سم ٹائم
हम एक एक बंदा भी जाते थे, अगर दूसरा नहीं जा सकता तो मैं अकेला भी जाता था जी, रिक्शे पे बैठ के प्रोजेक्टर को उठा के खुदा के कलाम को लेकर लोगों तक जाते थे, और जीसस फिल्म के ज़रिए खुदा उनके कलाम को बहुत से लोगों तक पहुँचाया। और उसके अलावा हम स्कूलों में भी जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे यीशु मसीह के कलाम को सुनाने के लिए, और खुदावंद ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने 5 साल तक खुदावंद की खिदमत की कैंपस क्रूसेड के प्लेटफॉर्म से जी, और फिर उसके बाद खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं दुबई जा सकूं। दुबई एक्चुअली जो मैं गया उस वो मेरी सेकुलर जॉब थी जी, मैंने खिदमत के साथ साथ मैंने एक ट्रेनिंग की थी ट्रैवल एंड टूरिज्म की जी, तो जिसमें मुझे मौका मिला कि मैं दुबई में जाकर ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन करूं, क्योंकि वहां पर मेरे ऑलरेडी भाई वहां पे रहते थे जो 25 साल से वहां पे थे, तो उन्होंने मुझे वहां पर इनवाइट किया। मैं समझता कि ये खुदा की मर्ज़ी है, जहां भी खुदा लेकर जाता है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हमें खुदा लेकर जाता है, और खुदावंद का मकसद होता है जी, जहां भी खुदा हमें लेकर जाता है उसका मकसद होता है कि हमारी ज़िंदगी में कि हम क्यों उस जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो वहां पर मैंने ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन किया, और मैंने एज ए जूनियर टिकटिंग एजेंट उस कंपनी को ज्वाइन किया, और मैं 8 साल उस कंपनी में मैंने काम किया, और साथ साथ मैंने खुदा की खिदमत भी की चर्च के साथ मिलकर, और पर्सनल भी खुदावंद की खिदमत की। फेसबुक के ज़रिए से मैंने बहुत से लोगों को खुदा के कलाम के बारे में सुनाया, अपने मसीहियों को और गैर मसीहियों तक भी खुदावंद की बात को पहुँचाया, खुदावंद के कलाम को पहुँचाया। और फिर वहाँ पर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं 8 साल तक रहूँ, और मैंने जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो मैं जूनियर टिकटिंग एजेंट था, और जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा तो मैं ब्रांच इंचार्ज था। तो खुदावंद ने मुझे बहुत तरक्की दी, और इवन के जब मैं वहाँ से मूव करना चाह रहा था तो उस कंपनी जो कंपनी थी वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे बोला कि अगर हम आप चाहते हैं तो हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, अगर आपको कोई और मसला है तो हम आपका हल कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा वक्त यहाँ पर पूरा है और खुदा मुझे कहीं और लेकर जाना चाहता है। तो खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं माल्टा में जाऊं, और वहां पर मैं और मेरी मिसेज और मेरे भाई है मेरे साथ जी, हमने वहां पर जाकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया जी, जिसमें बहुत सी मुश्किलात थी शुरू में, लेकिन खुदा ने हमारी बहुत मदद की, और अभी तक भी हम उसी में चलते आ रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि खुदा की खिदमत का जो बीज था वो मेरे दिल में था कि मैं खुदा के कलाम को, खुदा के उस निजात को लोगों तक पहुँचाऊँ, तो उसको साथ साथ मैं करता रहा। जब मैंने वहाँ पर इंग्लिश चर्च को ज्वाइन किया तो उनके साथ मिलकर हमने बहुत सी आउटरीच की मुख्तलिफ जगहों पर, माल्टा में जाकर पम्फलेट के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए और सिंगिंग के ज़रिए जाकर हमने स्ट्रीट्स में सॉन्ग गाए, और बहुत से लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया। और उसके साथ साथ फिर हमें मौका मिला कि हम चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को शुरू करें जी, और हमने वहाँ पर अभी साल ही हुआ है वॉलंटियरली हमने खुदावंद की इस खिदमत को शुरू किया बच्चों में, और बहुत से तकरीबन 4-5 चर्चेज में, और कुछ जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनमें हमने खुदा के कलाम को शेयर किया है, और वो हम खुदा का जो कलाम है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से शेयर करते हैं जी। एक हमारे पास ये कलर रिबन्स हैं जी, इस रिबन के ज़रिए, और फिर हमारे पास कलर्स बुक हैं जी, इसी तरह होती हैं उसके ज़रिए से जी, फिर क्राफ्ट के ज़रिए से हमने खुदा के कलाम को बच्चों में शेयर किया जी, गीतों के ज़रिए से जी, और हमारी जो बेटी है ये हमारे साथ मदद करती है, और मेरी वाइफ जो है वो भी मेरे साथ मेरी हेल्प करती है, और ये खुदा की बलाहट है जो खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में जो पैगाम रखा है, जो कलाम रखा है, मैं दूसरों के साथ भी बांट सकूं, उनके साथ भी शेयर कर सकूं, ताकि जैसे मैंने निजात पाई है दूसरे लोग भी उस निजात का मज़ा चखें और खुदा की हमदो तारीफ करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी आपकी गवाही है, खुदावंद आपको बरकत दे, और मुझे बरकत मिली आपकी गवाही से कि खुदा के बंदों को जो खुदा चाहते हैं कि उन्हें खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खुदा ज़रूर करता है, और खुदा के मनसूबे होते हैं कि वो पाकिस्तान से आपको वहाँ पर लेकर गया, वहाँ से आपको माल्टा में अब यूज़ कर रहा है। तो हम इस बात के लिए हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, खुदा मेरी दुआ है कि और आपको कसरत से इस्तेमाल करें। तो प्रस्तुत आप क्या करती हैं, आप क्या संडे स्कूल में बच्चों की मदद करती हैं? आप आइज़क टीवी देखती थी दुबई में? हाँ जी। कैसा लगता था आपको?
अच्छा अच्छा लगता था। तो अब आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थ्री में। थ्री में, वाह, थ्री में पढ़ती हैं। तो आपके जो फ्रेंड हैं वो पाकिस्तानी भी हैं या फॉरनर ही हैं? फॉरनर। फॉरनर है। तो कैसे हैं आपके फ्रेंड? अच्छे। अच्छे हैं। रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे और आपको भी आपके पापा के साथ कसरत से इस्तेमाल करे। तो मेरी बहन, आप पेशे के लिहाज से स्टाफ नर्स हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि शादी के बाद आपने अपने शोहर के साथ खिदमत कर रही हैं। तो आप खिदमत में क्या करती हैं? मैं खिदमत में इनकी हेल्प करती हूँ, जब बच्चे होते हैं तो उनको फिर हम लोग क्राफ्ट सिखाते हैं कि कैसे खिदमत करनी है, फिर उनको चीज़ें लेके आते हैं, मटेरियल लेके आते हैं उनसे। जैसे अभी क्रिसमस का इवेंट था तो उन्हें हम लोगों ने एंजल्स बनाने सिखाए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सॉन्ग्स वगैरह उनको होती हैं, वर्सेस वगैरह उनको करवाते हैं, वर्सेस कराते हैं, सॉन्ग सिखाते हैं। और आपको कैसा लगता है वहाँ पे गोरों में खिदमत करके पाकिस्तानियों में करके एक फ़र्क होता है? गोरों में रहकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तान में भी जज्बा है और जज्बात है, ये भी मतलब सारे मिलके टीम वर्क करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे और दोनों को आपकी खिदमत को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें, मेरी दुआ है। तो सोनिया, आप भी वो लड़की हैं, नौजवान हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं वो शर्माती हैं, कैमरा मैं देखता हूँ, कैमरा मैन ही हम देखते हैं। और जब मैं अमेरिका जाता था तो मैं देखता था वहाँ लड़कियाँ भी कैमरा वूमेन होती हैं, और आजकल पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूँ। तो आपने भी कैमरा सीखा, आप जब कैमरे पे खड़ी होती हैं, विनिक सोल भी रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं साथ, तो आपको कैसा लगता है? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और सीख सकूँ ये काम। और फिर उसके बाद मैं अकाद भाई का और अपनी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ, अपने सारे सीनियर्स की, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे ये कॉन्फिडेंट दिया कि मैं लोगों में खड़ी होकर कैमरा ऑपरेट कर सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कैमरा करती हूँ। अच्छा लगता है आपको? हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दें। और आपके साथ सदब भी कर रही हैं, कैमरा वुमेन बन रही हैं, तो अगर और लड़कियाँ आना चाहें तो आप क्या कहेंगे इनको? हम उन्हें वेलकम करेंगे कि वो भी आए और इस काम को सीखें और खुदावन की खिदमत करें। प्रेज द लॉर्ड। तो और आप अगर गर्ल्स हैं, अगर आप भी कैमरा वुमेन बनना चाहती हैं, तो आप हमारी टीम से रابطہ कर सकती हैं, आप हमारे ऑफिस से रابطہ कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़के कैमरा सीख सकते हैं, लड़कियाँ भी ये काम कर सकती हैं, कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ घर फारग बैठे रहने से या और काम करने से बेहतर है जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अगर नहीं भी इतना ज़्यादा पढ़ी, थोड़ी भी आप पढ़ी हैं, आप भी कैमरा वूमेन बन सकती हैं। तो आप ज़रूर सीखें और आप सीख कर अच्छी जॉब कर सकती हैं, अच्छी जगह पर काम कर सकती हैं, आप अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार का वसीला बन सकती हैं। बेटे हैं तो भी रابطہ कर सकते हैं हमारे ऑफिस से, अगर आपको कैमरा सीखने का शौक़ है या आप भी कैमरामैन बनना चाहते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वॉलंटियर हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी शहर में है आप ज़रूर वहाँ की टीम को भी रابطہ कर सकते हैं, या डोर टू डोर टीम है उससे रابطہ कर सकते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं उनसे आप रابطہ कर सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दूसरों को इक्विप करें और दूसरों को सिखाएं और वो दूसरी जगहों पर जाकर काम करें। आज यहाँ से सीखे हुए बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ बहुत सारे चैनल पर काम कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि वो अपना रोजगार कमा रहे हैं, अपने खानदान के लिए बरकत का वसीला बने। क्यों भट्टी साहब ऐसी है? और सर अक्सरियत इस वक्त ऐसी है, जितने भी चैनल्स हैं ना उनमें से ज्यादातर आईजी टीवी से ही सीख कर गए। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे खुशी है कि बच्चे सीखते हैं और दूसरी जगह पर जाकर फिर काम करते हैं, इससे उनका खानदान का रोजगार उनको मिलता है और उनको बरकत मिलती है। तो मेरी दुआ है कि अगर आपको सीखने का शौक है तो आप जरूर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटियर। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी के साथ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल।